हेलो एवरीवन, 2022 में कैसे अकाउंट ओपन करना चाहिए, किसमें एटीएम कार्ड चेकबुक सभी प्रोवाइड होगा, ये बहुत ही कोई का सवाल था। कंफ्यूज थे लोग कि सर हम कैसे अकाउंट ओपन करें, ऑनलाइन प्रोसेस से करें ज़्यादा बेटर होगा या ऑफलाइन प्रोसेस से करें ज़्यादा बेटर होगा। तो देखिए, आपको मैं एक रिकमेंड करूँगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी का आप लोग के साथ शेयर करूँगा। देखिए, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या पेटीएम पेमेंट बैंक या कैनरा बैंक या स्टेट बैंक, इन सभी बैंकों में से अगर बैंक की बात करें, देखिए पेटीएम, एयरटेल पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक या फिनो पेमेंट बैंक, फिनो एक्चुअली बैंक है और बाकी बात ये तो है ऑनलाइन बैंकिंग, एयरटेल, जियो पेमेंट या मान लीजिए पेटीएम पेमेंट बैंक, ये ऑनलाइन बैंकिंग, इनके जो है ब्रांचेस बहुत ही कम है, तो मतलब ब्रांच है ही नहीं एक्चुअली। इनकी बात करें तो हेड ब्रांच दिल्ली में है, दिल्ली नोएडा ब्रांच में है, तो वहाँ से अगर आप आते हैं तो वहाँ आप अकाउंट ओपन कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप पेटीएम में भी अकाउंट ओपन करेंगे तो अकाउंट नहीं ओपन हो रहा है। अगर मान लीजिए आपको ऑनलाइन अकाउंट ओपन ही करना है तो इसमें सबसे बेस्ट अकाउंट कौन सा होगा, तो 2022 या 23 जो भी धरिए, 2023 आने वाला ही है, उसमें आपको सबसे बेस्ट अकाउंट पड़ेगा SBI। ये मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कर रहा हूँ। अगर आप ऑनलाइन थ्रू अकाउंट ओपन करते हो उसमें आपको चेकबुक प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि चेकबुक में सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। अगर सिग्नेचर आप अगर ऑनलाइन अकाउंट थ्रू ओपन करेंगे वो योनो SBI से, उसमें आपको एक रुपया भी मेंटेन भी नहीं करना पड़ेगा, जीरो बैलेंस अकाउंट है। वहीं अगर सेंट्रल बैंक या अदर्स बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में करें अकाउंट ओपन करेंगे ऑनलाइन थ्रू, उसमें भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर बैलेंस आपके अकाउंट में नहीं रहा, बैलेंस माइनस कर दिया जाएगा और ऊपर से आपके अकाउंट से चार्जेस काट ले जाएंगे। इसीलिए आपको अगर आप SBI में अकाउंट खुलाएंगे तो काफ़ी बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। अगर आप पंजाब नेशनल या सेंट्रल बैंक या अदर्स बैंक में खुलाना चाहते हैं तो खुला सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन थ्रू उसमें आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप एक जीरो बैलेंस फ्रेश अकाउंट चाहते हैं तो मेरे हिसाब से SBI आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें 7 से 8 दिन में आपको ATM कार्ड रिसीव भी हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन थ्रू ओपन कर पाते हैं उसमें आपको कुछ रुपये का पेमेंट करना पड़ेगा, जो कि आपके अकाउंट में ही रहेगा उसमें, लेकिन अदर्स अलग से आपका पैसा आपको पूछ के 500 या 1000 रुपये काटा जाएगा, जिसमें आपका इंश्योरेंस होगा, 10 लाख का इंश्योरेंस मिलता है 500 रुपये में एक साल के लिए। मेरा इंश्योरेंस कुछ दिन पहले ही एक्सपायर होने वाला है, वैसे मैं रिन्यूअल कर लूँगा, 500 रुपये ही लगते हैं, काफ़ी बेस्ट है, 10 लाख का इंश्योरेंस एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप किसी भी ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रोसेस से अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से SBI बेस्ट ऑप्शन से SBI। अदर्स बैंक में आप मत जाइएगा, या बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत कोई सोच रहे थे, बैंक ऑफ बड़ौदा का भी वैसे सर्विस ठीक ठाक ही है, लेकिन सबसे बेस्ट मैं इंडिया में जितने भी बैंक है सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसी कारण अगर आप ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी प्रोसेस ओपन करना चाहते हैं तो SBI का अकाउंट ओपन कीजिएगा। आई होप कि आपकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।